घासीदास कला एवं साहित्य विकास समिति के तत्वाधान में संस्कृति विभाग के सहयोग से 26 एवं 27 फरवरी को दो दिवसीय गनियारी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आयोजन समिति अध्यक्ष महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि इस महोत्सव में प्रदेश भर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी गौरतलब है कि विगत 10 वर्षों से गुरु घासीदास कला एवं साहित्य विकास समिति के तत्वावधान में संस्कृति विभाग के सहयोग से गनियारी महोत्सव लोक संस्कृति के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 26 एवं 27 फरवरी को दो दिवसीय गनियारी लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि इस महोत्सव में प्रदेश भर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं पहले दिन 26 फरवरी को सत्य की अमर ज्योति चौका पार्टी भेलवाड़ी जिला रायपुर संगम रामधुनी मंडली बालोद सत्य के प्रचार पंथी नृत्य दल पिटौरा श्रीमती मीना साहू एवं साथियों द्वारा पंडवानी के आयोजन किए जाएंगे, साथ ही अन्य कार्यक्रमों की जानकारी दी। विगत 12 वर्षों से गुरु घासीदास कला एवं साहित्य विकास समिति के द्वारा गनियारी लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। उसी तारतम्य में इस वर्ष भी 26 और 27 फरवरी को राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि अन्य राज्यों के भी कलाकार हमारे गनियारी लोक कला महोत्सव में शिरकत करेंगे। मुंबई के दल से मेरी बात हो चुकी है और उनकी भी सहमति मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भी कलाकार और उड़ीसा के संबलपुर के भी कलाकार हमारे गनियारी लोक कला महोत्सव में 2 दिनों तक रंगारंग अपनी प्रस्तुति देंगे। उद्घाटन समारोह में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी उसका उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ की जो लोक विधाएँ हैं उनके अलावा जो हमारे देश की कल्चर है, अन्य राज्य के जो कल्चर हैं, हमारी भाषा बोली के बोलने वाले लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बाहर के लोग भी देखें, इस माध्यम से छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बाहर भी फैलाएंगे। महाराष्ट्र की लावणी जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उनको हमें देखने को मिलेगा। संबलपुर के जो उड़ीसा के संबलपुरी डांस जो है वो भी हमको देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ का अभिन्न हिस्सा रहा है उनका गुदुम्बाजा एक आकर्षण का केंद्र होगा। बहरहाल इस महोत्सव में पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई, पद्मश्री डॉक्टर आर एस बार्ले, पद्मश्री अनूप रंजन पांडे, सुश्री अमृता बार्ले, फिल्मी कलाकार डॉक्टर अजय मोहन सहाय, अंतर्राष्ट्रीय कोच एवं खिलाड़ी श्री कृष्णा साहू, समाज सेवी योगेश्वर साहू सहित और अन्य वरिष्ठ जन शामिल होंगे, साथ ही उनका सम्मान भी किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।